हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बना करारा एकदम चटपटा नाश्ता, जिसे अगर आप एक बार बना के खाओगे तो गारंटी आप इसके फैन हो जाओगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की फटाफट मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले लेंगे एक बाउल, और बाउल में डालेंगे हम एक कटोरी आटा। इतने में दो से तीन लोगों का नाश्ता आराम से बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे तो इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो आटा जैसे ही हमारा ऐड हो जाएगा, हम यहाँ पे चार से पाँच चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमारा चावल का आटा ऐड हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इन सभी चीज़ों को हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालकर इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं डो हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक करके रख देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। दूसरे प्रोसेस में हम यहाँ पे लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई को जैसे ही अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा हमारा जैसे ही अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और दो हरी मिर्च। और इन दोनों चीज़ों को लो फ्लेम पे एक मिनट तक भून लेंगे। यहाँ हमें इसे लाल नहीं करना है। तो जैसे ही हमारी दोनों चीज़ें एक मिनट के लिए अच्छे से भून गई, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरी मटर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसे ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक, जिससे हमारा मटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो अब हमारा मटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे टेस्ट अनुसार एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर पाउडर और दो से तीन चुटकी हींग। तो अभी सारे मसाले हमारे ऐड हो चुके हैं, इन्हें हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो अब मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे चार से पाँच मैश किया हुआ बॉयल आलू। तो आलू ऐड करने के बाद इसे हम मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लो फ्लेम पे भूनते हुए इसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे हम मसाले तैयार करते हैं समोसा या टिकिया के लिए, वैसे ही मसाले हमें यहाँ पे तैयार देख सकते हैं। जैसे ही मसाले हमारे तैयार होते हैं समोसे के लिए, वैसे ही मसाले हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, और धनिया को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस इसी स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और अपनी स्टफिंग को रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही, चलते हैं हम आटे के पास। आटा देख लेते हैं, 10 मिनट हो गया है और आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तब यहाँ पे हम आधा पोर्शन लेकर के आटे की इसकी लोई, छोटी छोटी डो बॉल्स बनाते हुए लोई को हम चिकना कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सारे डो बॉल रेडी कर लिए हैं। अब थोड़ा सा सूखा हुआ आटे को डिप करेंगे, और उसको डस्ट करते हुए यहाँ पे हम लोई को थोड़ा सा दोनों हाथों से फ्लैट करते हुए, जैसे नॉर्मल पूड़ी या पराठे के लिए कटोरी तैयार करते हैं, वैसे ही कटोरी शेप में इसे हम तैयार कर लेंगे अपने अंगूठे की हेल्प की मदद से, बिल्कुल इसी शेप में। तो हमारी कटोरी एकदम से रेडी हो गई। अब जो हमारी स्टफिंग, वो भी पूरी तरह से ठंडी हो गई, उसे हम चम्मच की हेल्प से एक चम्मच स्टफिंग भर लेंगे, और फिर जैसे पोटली बंद करते वैसे बंद करते हुए अपने नाश्ते को हम रेडी कर लेंगे। तो अब जो एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसको हम निकाल देंगे, और फिर दोनों हाथों के बीच में रखकर उसको थोड़ा हम फ्लैट कर लेंगे, जिससे हमारा नाश्ता कहीं से मोटा या पतला ना रहे, चारों तरफ से एक साइज एक समान का रहे। तो अब हम इसी प्रोसेस से सारे नाश्ते रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे नाश्ते रेडी कर लिए। चलिए फटाफट हम चलते हैं गैस की तरफ। तो तेल भी हमारा पहले से हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ किया, बस दो से तीन चम्मच में ही इस नाश्ते को हम रेडी करेंगे। तो हम एक एक करके नाश्तों के यहाँ पे हम ऐड करते हैं, जितना वह एक टाइम में आएगा उतने ही नाश्ते को हम यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो जैसे ही नाश्ता हमारा वन साइड से हल्का क्रिस्पी कुरकुरा हो जाएगा, इसे हम साइड चेंज करते हुए दोनों तरफ से अलट पलट के तीन से चार बार इसे हम क्रिस्पी और कुरकुरा होने तक इसे हम पका लेंगे।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नाश्ते हमारे बनकर रेडी हो गए। चलें हम इसे फटाफट निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, रेडी है हमारा आज का बहुत ही कम तेल से बना हुआ क्रिस्पी करारा सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसे आप किसी भी टाइम बनाकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।